ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बाली सक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 24-25 सालों से नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा में बीजेडी की सरकार है। पिछले 25 वर्षों से राज कर रही है बीजेडी सरकार से जनता उब चुकी है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। सीएम साय ने यह भी कहा कि खनिज संपदा, वन संपदा और उपजाऊ मिट्टी से भरपूर ओडिशा में नवीन बाबू ने गरीबों का भला नहीं किया, इसलिए 25 वर्षों से जमी इस निष्क्रिय सरकार को बदलने का समय आ गया है। तुल्य मतदाता भाई बहनों, छत्तीसगढ़ से हमारे बहुत बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आए हैं, सभी छत्तीसगढ़ के हमारे नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का आज के इस चुनावी सभा में हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोग हम लोगों का बड़ा आत्मीय स्वागत किए हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। अधिकांश लोग पहचानते होंगे, हम आपके पड़ोस राज्य के छत्तीसगढ़, और हमारा विधानसभा कुनकुरी यहां से 5 किलोमीटर बाद से लग जाता है लवाकेरा, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध भी है। हमारे विधानसभा कुनकुरी से लेकर बस्तर तक, ये उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे सब ओड़िया बोलते हैं, और उड़ीसा के किनारे किनारे सब हम लोगों का लरिया भी समझते हैं, सादरी भाषा भी समझते हैं, और भगवान जगन्नाथ हम सब लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। सभी लोग पूरी धाम जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक, रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में देव भोग है, जहां पर हीरा भी मिलता है, हीरा भी मिलता है, वहां का चावल पहले आता था महाप्रसाद के लिए। उड़ीसा पूरी धाम में महाप्रसाद बनाने के लिए देव भोग का चावल आता था पहले, ऐसा आपके उड़ीसा और हमारा ये छत्तीसगढ़ का संबंध है। और ये बाली संकरा से तो हमारे गांव में बेटी भी लिए हैं, गुप्ता परिवार में हमारे पास जो निज सहायक है आकाश गुप्ता, उसकी माँ यहीं की है, तो बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आज हम अपने ऐसे पड़ोसी राज में आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपके क्षेत्र के जो लोकसभा के इस बार 6वीं बार प्रत्याशी होंगे ना, श्री जुएल जी, 5 बार आप लोग उनको आशीर्वाद देकर सांसद बनाए हैं, इस बार 6वीं बार वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए कमल छाप में आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जो हमारे तलसरा के विधायक के प्रत्याशी हैं भवानी शंकर भोई जी, उनके लिए आने वाला 20 तारीख को आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मांगने आए। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, तो एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को 3री बार हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसलिए बनाना है कि नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है,
एक चाय बेचने वाला के बेटा है और गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है कि नहीं। गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को, पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं, रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हम लोगों के लिए चिंता करते हैं। आप लोग 10 साल उनको देखे हैं, 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, कोरोना महामारी हुआ तो फ्री में दो दो तीन तीन वैक्सीन अपने देश में तैयार करवा के, ऐसा पहली बार हुआ इस देश में कि 9 महीना में प्रधानमंत्री जी कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहां पर तैयार करवाए और 140 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में वैक्सीन दिलवाए। आज हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं प्रति व्यक्ति अलग से, कोरोना के कारण जो आने वाला 2028 तक मिलने वाला है। तो ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हमारे डिप्टी सीएम साहब